पैरासाइट के बारे में हमने अपनी किताबों में पढ़ाई। ये एक ऐसे प्रकार के जीवाणु और विषाणु होते हैं जो किसी तरह के होस्ट के शरीर में ही रहते हैं। किसी एक होस्ट पर ही ये डिपेंडेंट होते हैं और उनके ही चीजों को यूज करके लगातार बढ़ते रहते हैं। मतलब कि किसी पैरासाइट के ग्रो होने के लिए एक होस्ट की नीड होती है, उसके बाद ही वो पैरासाइट बढ़ पाता है। मतलब कि सीधा समझो कि पैरासाइट वैसे जीव होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। पैरासाइट्स होस्ट के शरीर में अंडे देते हैं और फिर वो अंडे ग्रो होते हैं और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स अगर उन्हें सही से मिलने लगे तो वो होस्ट को ही मार डालते हैं। और अगर फिर भी आप नहीं समझे हो तो हमारे बालों के बीच पाए जाने वाले ढील और जू भी एक तरह के पैरासिटिक इंसेक्ट्स ही होते हैं। खैर इनकेस आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि रियल लाइफ में एक ऐसा पैरासाइट मौजूद है जो जानवरों को ज़ॉम्बीज बना देता है और फिर वो जानवर खुद अपने से मरने जाता है। जैसे अगर ये स्पेशल ज़ॉम्बीफाइड करने वाला पैरासाइट चूहे के अंदर चला जाए तो वो खुद से ही बिल्ली के पास मरने चला जाता है और इससे ऑब्वियसली फिर उस चूहे की मौत भी हो जाती है, पर ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो जरा सोचो कि अगर समहाउ एक वेनम के जैसा एलियन पैरासाइट आपके शरीर में आ जाए तो क्या होगा। एग्जैक्टली यही हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या होगा जब आपकी बॉडी में कोई एलियन पैरासाइट आ जाए। क्या आप भी फिर ब्रेन ईटिंग वेनम बन जाओगे जो किसी के सर को खा जाता है, या फिर आप धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच जाओगे, मतलब कि स्लो डेथ से मारे जाओगे। तो तैयार हो जाओ, आज आपके शरीर में एक एलियन पैरासाइट आने वाला है। इस पैरासाइट का आपके दिमाग पर क्या असर होगा? क्या आप अपने ही बॉडी से अपना कंट्रोल लूज कर दोगे? और आखिर जब वेनम जैसे एलियन पैरासाइट आपकी बॉडी में आएंगे तो फिर आपको क्या क्या एक्सपीरियंस होगा? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मन बुद्धि बालक। अगर आप वेनम के पुराने फैन रहे हो या आपको सुपर हीरोज की मूवी देखना पसंद है तो आप पहले से ही सिम्बायोट्स के बारे में जानते होंगे। पर सबसे फर्स्ट टाइम हमने इस पैरासाइट के बारे में मेनली स्पाइडरमैन 3 में ही देखा था, जिससे स्पाइडरमैन के सूट परफॉर्मेंस और खुद की भी स्ट्रेंथ वगैरह बूस्ट अप हो गई थी। और फिलहाल जब से वेनम लेट देयर बी कार्नेज फिल्म रिलीज हुई है तब से ही सिम्बायोट्स और वेनम के चर्चे भी होने लग गए थे, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जब किसी पर्सन के बॉडी को सिम्बायोट टेक ओवर कर लेता है तो क्या क्या होता है। पर रुको, इससे पहले कि आपके बॉडी को भी कोई सिम्बायोट टेक ओवर कर ले, चलो पहले अपने इस चिपचिपे से बिना शक्ल के दिखने वाले मेहमान से मिलते हैं जो अब आपके शरीर में ही रहने वाले हैं और आपके ही न्यूट्रिएंट्स को पचा करके अपना भी पेट भरेंगे। तो बजाय किसी और सिम्बायोट के हम मोस्ट पॉपुलर एंटा हीरो वेनम को ही ऐसा करने के लिए अलाउ करते हैं। तो वेनम एक कम्प्लीटली अवेयर, मतलब कि आसपास की चीजों को अपनी कैपेसिटी से ही देखने, महसूस और सेंस करने वाला बिना शेप का एलियन पैरासाइट है, जिसे जनरल टर्म में सिम्बायोट भी कहते हैं। सिम्बायोट अपने होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद पूरी तरह से उसे हाईजैक कर लेता है, जिसके बाद वो होस्ट के पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है। मतलब कि ये सिम्बायोट होस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सोच और पर्सनालिटी बदलते हैं, क्योंकि इनकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं होती। एज एन एग्जाम्पल, अगर ये सिम्बायोट स्पाइडरमैन के साथ मिल जाए तो आपको एक चिड़चिड़ा माकड़ मानव मिलेगा। अगर ये किसी सीरियल किलर के साथ मिक्स हो गया तो आपको कार्नेज जैसा खूंखार और तबाही करने वाला विलन मिलेगा। वहीं अगर ये लेटेस्ट फिल्म की तरह एडिक ब्रॉक के साथ मिल जाए तो हमें मिलेगा एक ट्रू एंटी हीरो, यानी कि खलनायक। पर अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ तो क्या होगा? तो देखो, अगर आप भी किसी तरह से उस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो जाते हो पर आप उन्हें खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं करने देते तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उसने एक बार अपनी जड़ें आप में गाड़ दी तो वो सबसे पहले आपके ब्रेन में ही एक रूम ले लेंगे, और इसके बाद वो क्या करेगा ये जानने के लिए हमें एक रियल लाइफ पैरासाइट के बारे में जानना पड़ेगा जो जानवरों को ज़ॉम्बी जैसा बनाने के लिए मशहूर है और जिससे इन्फेक्ट होने के बाद कई जानवर अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये रियल लाइफ पैरासाइट आप में किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि बिल्ली से आता है। हाँ सही में, वही बिल्ली जो आपके घर के आसपास दिखती है। इस पैरासाइट का नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और इसके बारे में मैंने एक ओल्ड वीडियो में भी जिक्र किया है जिसमें मैंने आपको ऐसे 5 पॉसिबल रीजंस के बारे में बताया था जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगर उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद याद से देख लेना। खैर, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एक सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक न्यूरोलॉजिकल पैरासाइट है जो कि भेड़, बकरी, सुअर, गाय, चूहे और बिल्ली के दिमाग में फेरबदल करने में कैपेबल होते हैं। ये जिस भी होस्ट के पेट में होते हैं उनमें ये ओवोसाइट्स नाम के छोटे छोटे अंडे दे देते हैं और फिर वो अंडे बहुत ही ज्यादा खतरनाक टैकीजॉइड्स नाम के माइक्रोब्स में बदल जाते हैं, और इसके बाद शुरू होता है असली खेल, क्योंकि फिर ये छोटे छोटे से पैरासाइट्स आपके शरीर में ही कब्जा करने लग जाते हैं और धीरे धीरे आपके ब्रेन पर ही असर डालने लगते हैं। स्टडी में पाया गया है कि जो भी रोडेंट्स यानी कि चूहे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से इन्फेक्टेड होते हैं उनका दिमाग इस पैरासाइट की वजह से इतना बदल चुका होता है कि उनके अंदर बिल्लियों के स्मेल से डर ही खत्म हो जाता है, और इनफैक्ट जब उन्हें बिल्ली की स्मेल आती है तो वो खुद उनसे भागने की बजाय उनके तरफ ही बढ़ने लगते हैं।
जो कि आप इस वीडियो में क्लियर देख ही सकते हो किस तरह ये चूहा बिल्ली के सामने उछल रहा है। ये देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस चूहे को बिल्ली के साथ रहने का मन कर गया है। और आप इमेजिन कर ही सकते हो इसके बाद चूहे का क्या हाल होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा तब होगा जब आपके सामने कार ले जा जाए। खैर, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इस पैरासाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ बिल्ली गाय और बकरियों को ही कंट्रोल करते हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि ये पैरासाइट इतना ज्यादा कॉमन है कि इट इज हाईली पॉसिबल कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से दुनिया भर की करीब 30% पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। और अगर आप भी एक अनजान रोड की बिल्ली को हमेशा अपने से सटा कर रखते हो या उनके साथ ही सोते और खाते भी दो, तो ऐसे भी संभावना है कि आपको भी ये पैरासाइट अब तक इन्फेक्ट कर चुका हो, बस आपको इसका आइडिया नहीं। देखो, इंसानी आबादी में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के मिलने के केस सन 1900 की शुरुआत से ही होने लगे थे, जब हमने बिल्लियों को पालना शुरू कर दिया था। और ये भी नोटिस किया गया कि इसके साथ ही इंसानों में एक और खतरनाक बीमारी जिसका नाम स्किज़ोफ्रेनिया भी होता है, उसके भी केसेस लगातार बढ़ने लग गए थे। खैर, ये पैरासाइट वेनम की तरह आपसे दोस्ती नहीं करते हैं, बल्कि आपको कॉर्डिसेप्स फंगस की तरह ही खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये किसी भी तरीके से आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। जब कोई पैरासाइट आपको इन्फेक्ट करेगा तो उसे इसका आइडिया होगा कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और इसलिए वो आपके मसल को कंट्रोल करने लगेगा और आप बस बेबस होकर देखते रह जाओगे। तो कहीं से भी पैरासाइट आपके बॉडी के लिए उतने एडवेंचरस नहीं है जितना हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। और कुछ तो फेस ईटिंग पैरासाइट लिशमेनिया और लोआलोआ आईवर्म की तरह काफ़ी भयानक होते हैं। खैर, लोआलोआ आईवर्म तो ऐसा पैरासाइट है जो कि आपकी आंखों को ऊपर से ढक लेता है और वहाँ लार्वा भी छोड़ता जाता है। और ये लार्वी अगर आपके दिमाग के पास पहुँच गए तो इससे आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको एक ब्रेन से जुड़ी खतरनाक बीमारी हो जाएगी जिसे इंसेफलोपैथी कहते हैं। इस बीमारी को होने से किसी पर्सन का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है और वो कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। तो अब अगर आपको इन पैरासाइट के बारे में जानना है तो कमेंट में पैरासाइट लिख देना, और अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं डेफिनेटली इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो बेहतर यही है कि अगर गलती से भी आपको ऐसा फील हो कि आप पर किसी पैरासाइट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, तो यार हीरोपंती बाद में करें, सबसे पहले किसी डॉक्टर से संपर्क करें। और वैसे भी बात जब एलियन से जुड़ी हो तो हमेशा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नो वन नोज कि ये कब कितने खतरनाक साबित हो जाए। लेकिन अगर कल ही एलियंस धरती पर आ जाए तो क्या हम उनसे मिलने को तैयार हैं? तो अगर इसे जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लें।